हेलो दोस्तों, मैं हूँ सौम्य और टेक विजेट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रियलमी ने अभी रिसेंटली अनाउंस कर दी थी कि रियलमी 3 प्रो 22 अप्रैल को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रहे हैं, जो कि एक बजट सेंट्रिक डिवाइस होगा। और ये स्मार्टफोन की दोस्तों जो लीक के हिसाब से प्राइसिंग सामने आया है वो 15,000 रुपीज़ के आसपास, जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर, जो कि एक बहुत अच्छा सीपीयू है। और इसके साथ में दोस्तों स्मार्टफोन की कैमरा काफ़ी इंप्रेसिव होगा, यानी कि यहाँ पे दोस्तों हमें OnePlus 60 की जो कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं वही सेम सेंसर दोस्तों इस फोन में हमें 15,000 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली कैमरा के मामले में स्मार्टफोन रेडमी नोट 7 प्रो को भी बीट कर सकता है। इसके साथ में दोस्तों आज एक प्रेस लीक से पता चला है कि रियलमी 3 प्रो के साथ एक और स्मार्टफोन भी हमें देखने को मिलेगा 22 अप्रैल को, जो कि होगा रियलमी C2। और यह स्मार्टफोन की प्राइसिंग 8,000 रुपीज से बिलो होगा, जिसके अंदर हमें काफी अच्छा स्पेक्स भी देखने को मिलेगा प्राइस के हिसाब से। मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको रियलमी C2 और रियलमी 3 प्रो के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ में दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइस एंड अवेलेबिलिटी के बारे में भी आपके साथ कुछ अपडेटेड न्यूज शेयर करूंगा। So guys, let's begin. दोस्तों रिसेंटली रियलमी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि रियलमी 3 प्रो 22 अप्रैल को इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। पर इस स्मार्टफोन की ऑफिशियल लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन के बारे में बहुत सारे लीक्स उनके ट्विटर पोस्ट और गीकबेंच वेबसाइट एंड बहुत सारे ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन वेबसाइट से लीक होकर आए हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो रियलमी 3 प्रो के अंदर हमें देखने को मिलेगा 6.3 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला एक IPS LCD डिस्प्ले, जिसके ऊपर हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। शायद दोस्तों यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके साथ में दोस्तों इस फोन में हमें देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर, जो कि एक पावरफुल सीपीयू है। अगर हम दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर को रेडमी नोट 7 प्रो के साथ कंपेयर करें तो यहां पे रेडमी नोट 7 प्रो की प्रोसेसर स्लाइटली एडवांस है, यानी कि दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 से स्लाइटली एडवांस है। हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 के थ्रू 16% बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 इन रियलमी 3 प्रो। तो डेफिनेटली दोस्तों परफॉर्मेंस के हिसाब से यहां पे रियलमी 3 प्रो से रेडमी नोट 7 प्रो स्लाइटली यहाँ पे एडवांस हो सकता है। बट ओवरऑल दोस्तों रियलमी 3 प्रो की परफॉर्मेंस पे आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा प्राइस के हिसाब से। और इसके साथ में जो GPU भी मिलता है वो भी काफी पावरफुल है। अभी दोस्तों एक रिसेंट पोस्ट से पता चला है कि रियलमी 3 प्रो के अंदर आपको Fortnite गेम का सपोर्ट भी मिलेगा, तो यानी कि गेमिंग के मामले में रियलमी 3 प्रो एक बहुत कमाल का डिवाइस होने वाला है। इसके साथ में दोस्तों हमें रियलमी 3 प्रो में दो रैम एंड स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा, एक होगा 4GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज और एक होगा 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज। और यहाँ पे दोस्तों इस फोन में हमें एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिलेगा, यानी कि हम इस फोन में 2 SIM विथ एन माइक्रो एसडी कार्ड को एंजॉय कर पाएंगे। और ये फोन डुअल 4G डुअल वोल्टेज सपोर्ट के साथ आएगा। नेक्स्ट अगर दोस्तों कैमरा की बात करें तो रियलमी 3 प्रो की कैमरा काफ़ी इंप्रेसिव होने वाला है। लीक के हिसाब से दोस्तों पता चला है कि रियलमी 3 प्रो के रियर साइड में हमें 16 MP की प्राइमरी सेंसर के साथ में एक 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलेगा। जो दोस्तों 16 MP की सेंसर होगा वो दोस्तों सोनी का IMX519 सेंसर होने वाला है, जो कि सेम सेंसर हमें OnePlus 60 के रियर साइड में मिलता है। और OnePlus 60 की तो प्राइसिंग दोस्तों आपको पता होगा वो 35,000 के ऊपर है। तो डेफिनेटली दोस्तों रियलमी 3 प्रो की कैमरा काफ़ी इंप्रेसिव होगा। और यहाँ पे दोस्तों इस फोन के फ्रंट साइड में हमें मिलेगा एक 25 MP का सेल्फी कैमरा। ये बात दोस्तों अभी लीक के हिसाब से पता चला है तो कंफर्म नहीं हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों ये लीक कंफर्म हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ कैमरा रियलमी 3 प्रो काफी इंप्रेसिव होगा। मुझे लगता है दोस्तों रेडमी नोट 7 प्रो से भी रियलमी 3 प्रो का कैमरा काफी बेटर होगा। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो रियलमी 3 प्रो के अंदर हमें मिलेगा 3960 mAh की लिथियम आयन बैटरी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4000 mAh की बैटरी। और इसको हम चार्ज कर पाएंगे शायद USB टाइप सी पोर्ट के थ्रू। यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है कि इस फोन में हमें किस टाइप का पोर्ट मिलेगा। और इस फोन के अंदर जो कमाल की बात है वो इसमें हमें बूक फास्ट चार्जिंग का फीचर मिलेगा, जो कि ओप्पो का एक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, जस्ट लाइक OnePlus का डैश चार्जिंग। और एक दोस्तों और एक भी कमाल की बात ये है कि इस फोन की बॉक्स के अंदर हमें फास्ट चार्जर बाई डिफॉल्ट दिया जाएगा, तो हमें फास्ट चार्जर के लिए बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेटली दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है, हमें इस फोन में फास्ट चार्जिंग भी मिल रहा है और फास्ट चार्जर भी इसके बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि हमें रेडमी नोट 7 प्रो में नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो रियलमी 3 प्रो के अंदर हमें मिलेगा एंड्रॉइड 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स विद ColorOS Lattice 6.0। यहाँ पे ColorOS Lattice 6.0 के अंदर हमें एडवांस डिजाइन देखने को मिलेगा, यानी कि डिफरेंट डिजाइन के साथ में एडवांस कुछ फीचर्स भी मिलेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ColorOS 5.0। तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर के मामले में भी रियलमी 3 प्रो एक अच्छा डिवाइस हो सकता है। बस दोस्तों ये थे रियलमी 3 प्रो के कुछ स्पेक्स जो कि ऑनलाइन लीक हुए हैं। अब आते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तरफ।
लीक के हिसाब से दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग सामने आए हुए 15,000 रुपीज़ के आसपास, यानी कि 14,999 रुपीज़। इसके 4GB रैम प्लस 32GB वेरियंट की और स्मार्टफोन की जो हायर वेरियंट यानी कि 6GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज वेरियंट, उसका दोस्तों प्राइसिंग होने वाला है 18,999 रुपीज़, यानी कि 19,000 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट अगर दोस्तों Realme C2 की बात करें, अभी दोस्तों ये स्मार्टफोन एक प्रेस लीक से पता चला है कि Realme C2 Realme 3 Pro के साथ एक दिन में यानी कि अप्रैल 22 को लॉन्च होगा इंडियन मार्केट में और ये स्मार्टफोन की प्राइसिंग दोस्तों 8,000 रुपीज़ के आसपास होगा। सबसे पहले अगर स्पेस की बात करें Realme C2 की, तो लीक के हिसाब से पता चला है कि Realme C2 के अंदर हमें एक वाटर ड्रॉपलेट नॉ डिज़ाइन देखने को मिलेगा, बट दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो एग्जैक्ट डिस्प्ले साइज़ है वो अभी लीक के हिसाब से सामने नहीं आया है और इस फोन के अंदर हमें देखने को मिलेगा MediaTek का P22 प्रोसेसर। हमें Realme C1 के अंदर Qualcomm Snapdragon का 450 octa-core प्रोसेसर देखने को मिलता था, कंपेयर टू दोस्तों Snapdragon 450 Helio P22 प्रोसेसर स्लाइटली बेटर है। यहाँ पे दोस्तों इस फोन के अंदर भी हमें दो रैम और स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा, एक होगा 2+16 और एक होगा 3+32, शायद 4+64GB आ सकता है, बट दोस्तों अभी लीक के हिसाब से ये दोनों कन्फर्म हुआ है। साथ में दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर हमें 4200mAh की लिथियम आयन बैटरी भी देखने को मिलेगा, पर दोस्तों हमें Realme C2 में शायद फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर Realme C2 की कैमरा की बात करें, तो बताया जा रहा है कि दोस्तों इस स्मार्टफोन की रियर साइड में हमें 13MP प्लस 2MP की डुअल लेयर कैमरा मिलेगा और इस फोन की फ्रंट साइड में हमें 8MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो कि दोस्तों स्लाइटली यहां पे अपग्रेड किया गया है Realme C1 के कंपैरिजन में। नेक्स्ट अगर Realme C2 की सॉफ्टवेयर की बात करें, तो इस फोन में हमें मिलेगा Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स विद ColorOS Lattice 6.0 और Realme C2 भी दोस्तों एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट के साथ आएगा, यानी कि हम इस फोन में 2 SIM विद एन माइक्रो एसडी कार्ड को एट अ टाइम यूज कर पाएंगे। और दोस्तों जैसे कि ये फोन Helio P22 प्रोसेसर के साथ आ रहा है, तो इस फोन में भी हमें डुअल 4G डुअल वोल्टेज का सपोर्ट भी मिलेगा। बस दोस्तों ये थे Realme C2 के कुछ स्पेक्स जो कि ऑनलाइन लीक हुआ है। नेक्स्ट अगर प्राइसिंग की बात करें, तो बताया जा रहा है कि दोस्तों Realme C2 की जो बेस वेरिएंट होगा उसका दोस्तों प्राइसिंग स्टार्ट होने वाला है 7,999 रुपीज़ से। इसका 2GB रैम प्लस 16GB वेरिएंट और स्मार्टफोन की जो हायर वेरिएंट यानी कि 3GB रैम प्लस 32GB वेरिएंट, उसका दोस्तों प्राइसिंग 9,000 रुपीज़ के आसपास हो सकता है, यानी कि 8,999 रुपीज़। नेक्स्ट अगर अवेलेबिलिटी एंड लॉन्च डेट की बात किया जाए, दोस्तों Realme C2 भी सेम डे लॉन्च होगा Realme 3 Pro के साथ, जो कि 22 अप्रैल 2019 को, और ये दोनों स्मार्टफोन एक फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन होंगे, यानी कि आप इन दोनों स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे। बस दोस्तों ये थे हमारे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन Realme 3 Pro एंड Realme C2 के रिगार्डिंग, जो कि बहुत जल्द दोस्तों अप्रैल 22 को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों Realme 3 Pro एक काफ़ी कमाल का डिवाइस होगा, क्योंकि इस फोन में हमें बहुत अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा और इसका प्रोसेसर भी अच्छा है। आज कंपेयर टू Redmi Note 7 Pro, Realme 3 Pro की कैमरा स्लाइटली बेटर हो सकता है, पर प्रोसेसर वाइज Realme 3 Pro Redmi Note 7 Pro से थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। देखते हैं दोस्तों कंपनी स्मार्टफोन की एक्चुअल प्राइसिंग कितना रखता है। अभी दोस्तों स्मार्टफोन की कन्फर्म प्राइस सामने नहीं आया है। जैसे ही दोस्तों Realme 3 Pro के प्राइसिंग एंड अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई भी न्यूज़ अगर आगे आता है, मैं सबसे पहले दोस्तों आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। उसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। बस दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल इसी टॉपिक के ऊपर या किसी और टॉपिक के ऊपर, तो आप फ्री नीचे कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और लास्ट में दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद।